तो अभी हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम के बारे में, यानी कि हमारे पास में जो एनिमल किंगडम के हर एक 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 फाइलम और क्लास को शुरू करने से पहले जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। तो देखो हमारे पास में क्या दे रखा है, यहाँ पर हम सिमेट्री के बारे में बात करेंगे, यानी कि अब जो ऑर्गेनिज्म है ना इनके अंदर अलग अलग सिमेट्री होती है। सिमेट्री का मतलब कि मान लिया अगर हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को हम ऐसे कौन से हिस्से से काटें, मतलब ऐसे कौन से प्लेन से हम अपनी बॉडी को डिवाइड करें कि वो दो इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड हो जाए। जैसे यहाँ पर देखो, मान लिया ये ह्यूमन बॉडी है, अगर मैं इसको यहाँ पे सिर पे से मतलब हेड वाले एरिया से डिवाइड करना शुरू करूँ तो देखेंगे यहाँ बीच से हम डिवाइड करें तो हमारी एक आई इधर आ जाएगी, एक आई इधर, एक हाथ इधर आ जाएगा, एक हाथ इधर आ जाएगा, यानी हम हाफ ऑफ हमारी बॉडी डिवाइड हो जाएगी ना। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं हम सिमेट्री, ठीक है। जैसे देखो मान लिया पहली सिमेट्री है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि हमने एक बॉल ली, जैसे एक बॉल है, बॉल को आप किसी भी हिस्से से काटो वो हर एक में क्या हो जाएगी, मतलब डिवाइड हो जाएगी आपके पास में। ये देखो जैसे अगर ये कोई बॉल है, अगर इस बॉल को मैं इस वाले हिस्से से भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकती हूँ, अगर इस वाले हिस्से से नहीं करना चाहती तो यहाँ से भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकती हूँ, यहाँ से भी कर सकती हूँ। मतलब अगर कोई चीज आपकी सर्कुलर शेप के अंदर है, सर्कुलर शेप के लिए हम रेडियल वर्ड का यूज करते हैं, सर्कल के अंदर रेडियस होती है ना, तो वहीं से निकली हमारी रेडियल सिमेट्री। मान लिया अगर कोई शेप आपके पास में क्या है, सर्कुलर शेप के अंदर है, यानी स्फेरिकल शेप के अंदर है, तो आप उसको किसी भी प्लेन से डिवाइड कर सकते हो। कोई फिक्स पॉइंट नहीं है आपके पास में, आप चाहे उसे ऐसे डिवाइड करो, चाहे ऐसे करो, चाहे ऐसे करो, वो दो हाफ हाफ हिस्सों के अंदर बट जाएगी। एक बारी में एक ही हिस्से से डिवाइड करना, ये नहीं कि भाई हम सारे को एक ही साथ में इस वाले से भी काट दे, इस वाले से भी डिवाइड कर दे, नहीं, कोई एक प्लेन हमें सिलेक्ट करना होता एक बार में। मान लिया कि एक बार में अगर आप इस वाले मान लिया एक बार आप इस तरीके से डिवाइड कर रहे हो तो भी ऐसे भी हाफ में डिवाइड हो जाएगा। आपका ऐसा मन नहीं करा तो आपने सोचा मैं ऐसे तिरछा इसको डिवाइड करके देख लेता हूं तो भी वो दो हाफ में बट जाएगी। तो ऐसी जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी होती है वो आते हैं रेडियल सिमेट्री के अंदर। हम एनिमल किंगडम की बात करें तो हम एनिमल्स की बात करेंगे। सो रेडियल सिमेट्री हमारे पास में मिलती है इकाइनोडर्म्स के अंदर, एंटीनोफोरा के अंदर, ठीक है। इकाइनोडर्म एंटीनोफोरा के अंदर जो एनिमल्स आते हैं उनके अंदर हमको क्या मिलती है, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। कौन कौन से, इकाइनोडर्म्स एंड टीनोफोरा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियल सिमेट्री किसके अंदर होती है, सो इकाइनोडर्म्स के अंदर भी होती है और टीनोफोरा के अंदर भी होती है, ठीक है। अभी मैंने एक ऊपर पॉइंट लिख रखा है, जो इकाइनोडर्म्स होते हैं ना इसके अंदर एक खासियत होती है, इकाइनोडर्म्स का जो लार्वा होता है, लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म्स तो शो करता है बाइलेटरल सिमेट्री को, पर जैसे ही वो अडल्ट के अंदर चेंज हो जाता है तो वो शो करता है रेडियल सिमेट्री को। यानी कि जो इकाइनोडर्म का जो लार्वा होता है वो तो शो करता है बाइलेटरल सिमेट्री को, और जब वो अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तब वो शो करता है रेडियल सिमेट्री को। यानी आप देखोगे कि इकाइनोडर्म्स आपको बाइलेटरल सिमेट्री में भी मिलेगा और कहां पर मिलेगा, रेडियल सिमेट्री के अंदर भी, ठीक है अपने पास में। अब सिर्फ और सिर्फ इकाइनोडर्मेटा एक ऐसा फाइलम है जिसके अंदर बॉडी की सिमेट्री चेंज होती है जैसे ही वो लार्वा से अडल्ट स्टेज के अंदर आता है। बाकी पूरी की पूरी एनिमल किंगडम में ऐसा कोई भी फाइलम नहीं है जहां पर अल्टरनेशन ऑफ हमें सिमेट्री देखने को मिलती है, यानी ऑर्गेनिज्म या एनिमल अपनी बॉडी की सिमेट्री को चेंज कर लेता है, ठीक है। तो वो सिर्फ किसके अंदर होता है, इकाइनोडर्म के अंदर, ठीक है, लार्वा से अडल्ट डेवलप होगा। फिर बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री जैसे हम बॉडी को इस तरीके से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में सिर्फ एक ही प्लेन ऐसा होता है जिससे हम दो इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेन नहीं होते जैसे कि रेडियल सिमेट्री के अंदर होते हैं, ठीक है। सो बाइलेटरल सिमेट्री हमारे पास में मिलती है प्लेटी हेलमेंथिस से लेकर मैमल तक। प्लेटी हेलमेंथिस से आगे हम जितनी भी फाइलम पढ़ते हैं और मैमल्स तक हम जाते हैं, सब में क्या मिलती है, बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। एक और आती है बाइरेडियल सिमेट्री। बाइरेडियल सिमेट्री का मतलब होगा कि आप रेडियल में और बाइरेडियल में क्या फर्क है। रेडियल सिमेट्री में बहुत सारे हमारे पास में ऐसे प्लेन थे जिससे हम उसकी बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते थे, लेकिन बाइरेडियल सिमेट्री में क्या होगा, सिर्फ उसकी बॉडी के अंदर दो ऐसे प्लेन होंगे जिसके अंदर आप
उसको डिवाइड कर सकते हो, मतलब कि दो ऐसे प्लेन होंगे सिर्फ उसकी बॉडी के अंदर, और वो शेप कैसी होगी उसकी बॉडी की, सर्कुलर शेप होगी, जहां से आप उसकी बॉडी को दो इक्वल हाफ के अंदर क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। इसमें तो कितने भी नंबर ऑफ प्लेन थे, बहुत सारे नंबर ऑफ प्लेन थे, लेकिन बाई रेडियल में क्या होता है, बॉडी कैन बी कट इंटू टू इक्वल हाफ बाय टू रेडियाई, दो रेडियाई फिक्स होती है जिससे हम उसकी बॉडी को हाफ ऑफ पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, और ये हमें मिलती है टीनोफोरा के अंदर। सो बाइरेडियल सिमेट्री हमें किसके अंदर मिलती है, टीनोफोरा के अंदर, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि रेडियल सिमेट्री और दोनों ऑप्शन हो, इकाइनोडर्म्स और टीनोफोरा भी, तो आप पहले टिक करोगे इकाइनोडर्मेटा ऑप्शन को, टीनोफोरा जो आएगा आपका आंसर वो सेकंड प्रेफरेंस पे आएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस पे आंसर जाएगा आपका इकाइनोडर्म्स रेडियल सिमेट्री के अंदर, ठीक है। और बाइरेडियल सिमेट्री के अंदर तो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है टीनोफोरा, ठीक है अपने पास में, तो फर्स्ट प्रेफरेंस कौन से आंसर को दोगे, इकाइनोडर्म्स को। और अगर वो स्पेशली पूछे लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म्स, तो लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म्स के अंदर बाइरेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन हम ज्यादातर अडल्ट के बारे में पढ़ते हैं, सो अडल्ट में तो क्या है इसके अंदर आपके पास में रेडियल सिमेट्री, और रेडियल सिमेट्री के अंदर ही हमने इकाइनोडर्म्स का एग्जाम्पल पढ़ा। नेक्स्ट है हमारे पास में टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं उनके अंदर दो टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट, मतलब क्या होता है कि जो ब्लड है क्या होता है, हार्ट ब्लड को पंप नहीं करेगा, यहाँ पर क्या होगा, ब्लड हार्ट से बाहर आ जाएगा, और मान लिया जो सेल्स वगैरह है उसकी बॉडी के अंदर वो सीधा का सीधा क्या करेंगे, ब्लड के अंदर एक तरीके से क्या कर रहे होंगे, फ्लोट कर रहे होंगे, या ब्लड के अंदर डिप हुए होंगे, और डायरेक्टली सेल क्या लेंगे, उससे ऑक्सीजन को लेंगे। लेकिन क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड हर एक बॉडी के पार्ट के अंदर कुछ स्पेशल वेसल्स के थ्रू जाएगा, कुछ स्पेशल एक नेटवर्क के थ्रू जाएगा, और वो कौन होगी, जैसे वेन होगी, आर्टरी होगी या कैपिलरी होगी, इनके थ्रू ब्लड का क्या होगा, आपका पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा, यानी पूरा का पूरा नेटवर्क होगा। जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड जैसे यूं मान लो नदी होती है ना, ऐसे ब्लड फ्लो करेगा और पूरी बॉडी के सेल उसके अंदर डिप हुए होंगे, ठीक है, हमारे पास ऐसा समझो। आगे है हमारे पास में डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक से हम क्या समझेंगे, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, मतलब डिप्लोब्लास्टिक एनिमल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर जाइगोट से जब हमारे पास गैस्ट्रुला स्टेज बनती है, तो गैस्ट्रुला के अंदर क्या होता है आपके पास में, गैस्ट्रुला तीन जर्म लेयर्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसका सीक्वेंस हमने से पहले करा हुआ है कि कैसे जाइगोट से गैस्ट्रुला बनता है। तो गैस्ट्रुला के अंदर तीन जर्म लेयर्स होती है, एक कहलाती है एंडोडर्म, एक कहलाती है एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म, ठीक है। तो अगर कोई ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होगा तो उसके अंदर तीन लेयर डेवलप होती है, कौन कौन सी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। जबकि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिर्फ दो ही जर्म लेयर से पूरी की पूरी बॉडी बनेगी, वो होती है सिर्फ आपके पास में कौन सी, एक तो एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म, ठीक है। हमारे पास में जर्म लेयर्स का क्या काम होता है, जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी होती है वो इन्हीं तीन लेयर से बनी हुई होती है, किन से, मीजोडर्म, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। हम तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, तो हमारी बॉडी के अंदर इन तीन लेयर से पूरी की पूरी बॉडी डेवलप होगी। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, उनके अंदर दो लेयर से पूरी बॉडी बनती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म से। एंडोडर्म सबसे अंदर प्रेजेंट होता है और सबसे बाहर प्रेजेंट होता है एक्टोडर्म, और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है एंडोडर्म, जैसे मीजोडर्म बीच में प्रेजेंट है अपने पास है, सबसे अंदर एंडोडर्म, फिर मीजोडर्म, फिर एक्टोडर्म। अब क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मीजोडर्म है वो तो डेवलप नहीं होती, लेकिन उसकी जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, मीजोग्लिया नाम की एक लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये है हमारे डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक और एनिमल्स का हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, ठीक है। मतलब कौन डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनकी बॉडी के अंदर तीन जर्म लेयर्स हो वो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, और जिनके अंदर दो बॉडी की लेयर्स हो, सॉरी दो जर्म लेयर हो, उनको हम क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब एक सिलोम का डायग्राम और हम देख लेते हैं, ये चीज हो गई ना। आगे है सिलोम के तीन डायग्राम्स है हमारे पास एनसीईआरटी में, वो कौन कौन से हैं देखो यहाँ पे, तीन डायग्राम में बना के दिखाती हूँ। जैसे आपको सिलोम के अंदर हम एक पढ़ते हैं असिलोमेट, एक सूडोसिलोमेट और एक हम पढ़ते हैं यूसिलोमेट, ठीक है, यानी सिलोमेट। तो देखो इनके डायग्राम्स कुछ इस टाइप के आते हैं। पहले के अंदर हमारे पास में डायग्राम आएगा कि ये मानो
तीन लेयर्स प्रेजेंट थी ना अपने पास में। सिलोम होती है खाली कैविटी जो किसी भी सेल के जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे देखो सबसे बाहर वाली लेयर तो अपने पास में क्या होगी, एक लेयर और बना लेती हूँ, ये होगी अपने पास में एक्टोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म के बाद में आती है हमारे पास में मीजोडर्म। वैसे तो बीच में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, एंडोडर्म। हम ये मानते हैं कि ये वाली लेयर क्या होती है अपने पास में, एंडोडर्म। इसके बाद में प्रेजेंट होती है यहाँ पे मीजोडर्म और बाहर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है आपके पास में, एक्टोडर्म। ठीक है, इस एक्टोडर्म को सपोज हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, एक्टोडर्म होगी आपके पास में और यहाँ क्या होगी, एंडोडर्म। अब ये अगर असिलोमेट होगा आपके पास में, असिलोमेट, तो असिलोमेट हम उनको बोलते हैं जिन एनिमल्स की बॉडी के अंदर सिलोम कैविटी नहीं होती। जो ये बीच में खाली जगह बनी ना हमारे पास में, ये है आपके पास में क्या कहलाती है। देखो यहां पर मीजोडर्म बननी चाहिए थी, लेकिन यहां पर क्या होगा, इस तरीके से यहां पर एक कैविटी बन जाएगी। इस तरीके से बन गई अपने पास में ये कैविटी। ठीक, ये बन गई अपने पास में। ठीक है, अब जो ये खाली जगह बची ना आपके पास में, ये कहलाती है हमारे पास में सिलोम। ठीक है, ये कहलाती है अपने पास में सिलोम। अगर देखो ये वाली एक डायग्राम और देखो।